हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्लास 8th मैथ सब्जेक्ट। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ठोस आकारां दा चित्रण। ठोस आकारां दा चित्रण, इसनों सब तो पहला तुसी अपनी कॉपी ते लिख लो बच्चों। ठोस आकारां दे चित्रण तो भाव है विजुअलाइजिंग दी सॉलिड शेप्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तुहानू दो तरह दियां आकृति जिहड़ियां ने सिलेबस दे विच हन, जिहड़ियां कि तुसी छेवीं क्लास तो भी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है विद्यार्थियों, कई वेले की हुंदा है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट हुंदी है। प्लेन ऑब्जेक्ट का मतलब है जिहदे विच, जिवें कि मैं एक एग्जाम्पल लै लां कि ये एक मैं एग्जाम्पल इहदे विच लई है आयत दी, जिहदे विच तुहानू पता एक लंबाई हुंदी है ते एक चौड़ाई। ठीक है इस तरह, तो विद्यार्थियों जिथे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक प्लेन ज्योमैट्री, ठीक है कि प्लेन ज्योमैट्री या प्लेन शेप की कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी सिर्फ और सिर्फ की है लंबाई है तो चौड़ाई है, मतलब कि कह लो भी दो मेयरमेंट हैं। ठीक है किनिया मेयरमेंट हैं उत्थे? दो मेयरमेंट्स, यानी कि उसके दो माप हैं, उसनों बच्चों असी कहने दो पसारी आकृति। ठीक है की आखते हाँ? दो पसारी आकृति मतलब कि टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या फिर टू डायमेंशनल शेप असी कह सकते हैं इतने। ठीक है उस तो बाद विद्यार्थियों कई ऑब्जेक्ट कई शेप इदा दियाँ होंदिया ने, जिमें कि चौक का डब्बा तुम देखा होएगा, तो विद्यार्थियों चौक का डब्बा जो थोड़े घर के जिदा कि गैस का सिलेंडर है, इदा दियाँ आकृतियां जिदे बच्चों की है लंबाई भी होवे चौड़ाई भी होवे, ठीक है तो उचाई भी होवे, मतलब कि तीन तीन माप होन। ठीक है किन्ने माप होन? तीन माप मतलब तीन तीन डायमेंशनस होन, उन्हों बच्चों असी की कहने उन्हों आखते हाँ तीन पसारी आकृति। ठीक है की आखते हाँ? तीन पसारी आकृति मीनस थ्री डायमेंशनल शेप्स। ठीक है थ्री डायमेंशनल शेप्स ओके। तो विद्यार्थियों साडा जो चैप्टर होएगा उहदे विच असी शेप जिहड़ी सॉलिड शेप्स हैगियां ने उन्हां नूं विजुअलाइज़ करना है, मतलब कि ठोस आकारां दा चित्रण करना है। तो इस विच अज असी एक्सरसाइज नंबर 10.1 जिहड़ी है वह स्टार्ट करांगे। सो आओ विद्यार्थियों ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नूं समझण तो पहला असी आ कुछ शेप्स जिहड़ियां ने तुहाडी स्क्रीन दे उपर बच्चे मैं फ्लैश कर रहा, इन्हां शेप्स नूं तुसी पहचानना है। सब तो पहली जिहड़ी शेप है इसनों बच्चों असी की आखते हाँ, ये सारे विद्यार्थियों नूं आई थिंक पता होएगा, ये हुंदी है स्केयर। ठीक है ये की हुंदा है? स्केयर यानी कि वर्ग। ठीक है इनू की कहंदे आ? वर्ग कहंदे आ। ते बच्चो वर्ग एक दो पसारी आकृति है, मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैगी है। ठीक है इसका आकार जिहड़ा है टू डायमेंशनल शेप जिहड़ी है होवेगी। ठीक है उस तो बाद विद्यार्थियों इहदे विच थोड़ी जी चेंज कर दिंदे आ, एक शंकु हैगा। ठीक है की है? शंकु। शंकु इस तरह बन गया जिवें तुसीं आइसक्रीम का कोन जिहड़ा वह देखा होएगा। तो विद्यार्थियों जिहड़ा कोन हुंदा है की है एक इत्थे पहलां ते असीं इहनूं लिख दांगे कि ये की हैगा शंकु। शंकु मतलब कि शंकु नूं इंग्लिश विच असीं की कहने आ? कोन। तो विद्यार्थियों ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है थ्री डायमेंशनल मतलब इहदा आकार जिहड़ा है वह तीन पसारी आकृति होएगा। ठीक है उस तो बाद नैक्सट हैगा, नैक्सट है बच्चों इत्थे सिलेंडर। ठीक है सिलेंडर सारे बच्चों नूं पता है, सिलेंडर दा मतलब पंजाबी दे विच इहनूं वेलन आखदे हन। ते विद्यार्थियों वेलन जिहड़ा है इह वी एक तीन पसारी आकृति हुंदा है। उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट हैगा है त्रिभुज। ठीक है तो त्रिभुज जिहड़ी है इह की है? त्रिभुज का मतलब ट्रैंगल। ठीक है ट्रैंगल जिहड़ी है इह एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हुंदी है। उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट जिहड़ा है, नैक्सट की है इहदे विच? इह हैगा एक कण। ठीक है कण दे विच लंबाई चौड़ाई तो उचाई होएगी, लेकिन वह सारिया बराबर होंदिया ने, इस करके इहनूं कण कह दिंदे आ, मीनस क्यूब। तो क्यूब भी एक थ्री डायमेंशनल शेप हैगी है। उस तो बाद विद्यार्थियों जे आ चक्कर दे विच मैं इस तरह की है इस तरह एक लाइन लगा दा, ठीक है ये वाली, तो ये हुण एक की है मतलब एक गोला बन गया। ठीक है की बन गया? गोला। गोला का मतलब की हो गया? सफेयर। तो सफेयर जिहड़ा है विद्यार्थियों ये भी एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। उस तो बाद ये बच्चों क्यूबॉयड आ गया, क्यूबॉयड नूं असी की कहने आ? कणाप। ठीक है तो कणाप भी एक की हुंदी है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। उस तो बाद ये आ गया बच्चों चक्कर, चक्कर का मतलब सर्कल, तो सर्कल हुंदी है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट।
ठीक है 2D यानी कि 2D का मतलब दो पसारी 3D का मतलब तीन पसारी इतने लिख लो ये तीन पसारी और इतने तुसी डायमेंशनल की जगह पसारी लिख देना है पंजाबी मीडियम वाले बच्चों ने जो असी करन लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 का पहला सवाल है ये विद्यार्थियों तुहानू इस तरह शेप्स दित्तियां होईयां ने इहदे विच वस्तु वस्तु नू इंग्लिश विच तुसी ऑब्जेक्ट लिख लेना है ठीक है तो सामने का दृश्य मतलब कि फ्रंट व्यू ठीक है फ्रंट व्यू और इतों की आना टॉप व्यू ठीक है टॉप व्यू ये सिर्फ तुहाडी अंडरस्टैंडिंग है देखो बोतल नू जदों तुसी सामने तो देखोगे बच्चों तुहानू इस तरह ही दिखाई देगी आंसर किते हुए ने तो उस तो बाद जो तुम टॉप तो देखोगे तो टॉप तो बच्चों यदा की है तुम्हें टक्कण दिखाई देगा उपरों ठीक है तुम कोक की बॉटल लैके उन्हूँ इस तरह देख सकते हो जो भी थोड़े को बॉटल पई हुई है उस तो बाद बच्चों नैक्सट है भार मतलब कि भार का मतलब होंगे वेट तो वेट में जे तुम फ्रंट साइड तो देखो तो बच्चों सिर्फ तुम आह वाला हिस्सा जोड़ा है ठीक है आह थले वाला हिस्सा ये दिखाई देगा तो इस करके शेप जी है इस तरह होनी सामने के दृश्य की तो उपरों देखने की है तुम 5 kg जोड़ा दिखाई देगा तो यदा बच्चों जोड़ा नैक्सट टॉप व्यू हैगा वो ये आएगा उस तो बाद एक फ्लास्क हैगी है ठीक है पानी वाली बॉटल है ये फ्रंट व्यू यदा इस तरह तो टॉप व्यू जोड़ा है उस इस तरह दिखाई देगा अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी कप प्लेट है ये तुहानू सामने तो इस तरह दिखाई दे रहा है और टॉप तो बच्चों इस तरह तुहानू जो भी ये मटीरियल पिया हुआ इस तरह दिखाई देगा जे खाली है तो फिर खाली दिखाई देगा जे भरिया तो फिर उपरों तुहानू जो भी मटीरियल ये पिया हुआ वह दिखाई देगा उस तो बाद एक डब्बा हैगा टीन का ठीक है जो भी डब्बा है तो डब्बे का फ्रंट व्यू ये हो गया तो टॉप व्यू बच्चों इस तरह होएगा ठीक है तो इस तरह बच्चों तुसी एक्सरसाइज का ये सवाल जिहड़ा आ अपनी कॉपी के उपर कर लेना या फिर ज़्यादा बैटर है अपनी बुक के उपर ही कर लो ठीक है बुक से ही कर लेना कॉपी से भी करन दी लोड़ नहीं जे टाइम है तो क्योंकि वैसे तो तुसी फ्री है आराम नाल इहनू तुसी कॉपी से भी बना सो बाद विद्यार्थियों नैक्सट है नैक्सट के विच की है दिते गए हरेक ठोस के लिए तीन चित्र दिते गए हैं तीन बच्चों चित्र दिते हुए ने तो इन्हां दी संगत दे हरेक ठोस के लिए संगत उपर तो दृश्य सामने तो दृश्य तो एक पासे का दृश्य ठीक है तो सब तो पहला की हैगा सामने सामने तो दृश्य मतलब कि फ्रंट ठीक है फ्रॉम फ्रंट उस तो बाद पासे तो मतलब साइड व्यू ठीक है उपर तो मतलब टॉप व्यू ठीक है तो उपर असी इतने व्यू जरूर लिख लेना नाल ठीक है व्यू फ्रॉम कितों आ गया फ्रंट साइड एंड टॉप ठीक है तो सब तो पहला ये अलमीरा हैगा अलमीरा विच्चों सामने तो इस तरह की दिखाई देगी पासे तो साइड तो सिर्फ तुहानू आह वाला हिस्सा जिहड़ा आ उह दिखाई देना ठीक है तो विद्यार्थियों इस तरह आ जाएगा तो टॉप तो उपर वाला आह वाला हिस्सा जिहड़ा दिखाई देगा उस तो बाद अगे माचिस की डिब्बी है माचिस की डिब्बी तो जे तुसी पासे तो देखो तो पासे तो सिर्फ तुहानू आह वाला हिस्सा जिथे मसाला लगा हुंदा है वह दिखाई देगा सामने तो बच्चो आह वाला हिस्सा जिहड़ा है जिथों असी डब्बी नू खिंचना हुंदा है ठीक है अंदरों डब्बी निकलदी है जिहदे माचिस दीआं तीलियां हुंदीआं ने सामने का व्यू ये हो गया तो टॉप तो बच्चो उहदे ते जो भी लिखा होएगा होम लाइट जां फिर जिदा मछली की तस्वीर इत्थे बनी हुई है तो टॉप व्यू इहदा ये हो गया टैलीविजन सामने तो फ्रंट व्यू टैलीविजन की स्क्रीन साइड तो टैलीविजन का जिहड़ा पासा मतलब कि पासे तो मतलब कि साइड व्यू जिहड़ा हैगा ठीक है तो उपर तो तुहानू की देखेगा उपर तो तुहानू इस तरह टीवी जिहड़ा दिखाई देगा टैलीविजन टैलीविजन विचों टैलीविजन हो गया उस तो बाद हैगी है कार तो कार विचों फ्रंट व्यू जिहड़ा इस तरह होएगा सामने कार आ रही है साइड तो देख रहे हो तो इदा की लगती है टॉप तो उपरों छत जिहड़ी है इस तरह दिखाई देती है उस तो बाद विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इनू जरूर करना हैगा तो ये बच्चों ये तुहानू बॉक्सिस दिते हुए ने ठीक है जे तुसी इहदा उपर वाला हिस्सा देखो उपर वाला व्यू इच भी तुसी टॉप व्यू साइड व्यू दसने आ तो बच्चों इहदे विच आ हो गया इहदा की हो गया उपर तो टॉप व्यू ठीक है ये की हो जाना टॉप व्यू सामने तो मतलब साइड व्यू ठीक है साइड व्यू तो सामने तो बच्चों की होएगा आ सिर्फ दो दिखाई देणगे ठीक है ये वाले उस तो बाद साइडा तो बच्चों पासे तो तुहानू आ वाले जो दो है ये बक्से दिखा मतलब कि शेप जड़िया ने वो दिखाई देनगियां ठीक है इस तरह बच्चों ये चार क्यूब भी है जिन्हों असी इस तरह जोड़िया होया टॉप तो तुहानू किन्ने दिखने ने एक दो तीन चार ठीक है एक दो तीन चार ये दिखणगे तो विद्यार्थियों इस तो बाद जे तुसी पासे तो देखते हो तो तुहानू किहड़ा किहड़ा रीजन एक तो आ वाला रीजन तो एक आह वाला रीजन जिहड़ा आ ये दिखाई देगा ठीक है ये साइड व्यू हो गया सामने तो फ्रंट तो एक दो ठीक है तो तीन
आ वाले जिहड़े मैं हुण इहनू इस तरह रंग कर रहा ये वाला पासा जिहड़ा तुहानूं दिखाई देगा 1, 2, 3 सामने वाली साइड तो ठीक है सामने वाली साइड तो ये वाले पासे जिहड़े आ दिखाई देणगे इहदियां साइडां ते पासे दा मतलब साइड व्यू देखना है तो साइड व्यू च सिर्फ ये दो ही दिखने उस तो बाद विद्यार्थियो इस शेप दे विच फ्रंट वाला साइड फ्रंट तो 1, 2, 3 ते 4 ठीक है 1, 2, 3 ते 4 ये फ्रंट व्यू हो गया ओके उस तो बाद विद्यार्थियो उपरों देखोगे तो एक तो दो सिर्फ आही दिखाई देंगे एक ए वाला और एक ए वाला दो ठीक है तो साइडा तो मतलब पासे तो जो अभी देखोगे तो एक आ वाला दूसरा तीसरा ठीक है ये वाला हिस्सा जरा दिखाई देगा इहदे विचों ए वाला सवाल हैगा तो इस तरह ही बच्चों सवाल हैगा ये हुण आप कर सकते हो आंसर तुहानू सामने दिते हुए ने ठीक है आराम नाल तुसीं ये सवाल कर सकते हो ओके जी इनू स्क्रीनशॉट ले लेना इनू इदां ही कर देना है कॉपी बुक दे उपर जां कॉपी दे उपर उस तो बाद विद्यार्थियों लास्ट साम हैगा दित्तियां हुई वस्तुआं दे सामने तो दृश्य एक पासे तो दृश्य ते उपर दा दृश्य खिंचो ठीक है तो इस दे विच सब तो पहला तुहानू एक फौजी दा तंबू जिहड़ा है वह दिखाई दिता गया है इहदा सामने वाला व्यू बच्चो ये हो जाना ठीक है ये सामने वाला व्यू हो जाएगा ये किदां दा दिखाई देना इत्थे मैं लिख दिंदा ये सामने का व्यू इदां बनाउणा है तुसीं ठीक है ये सामने का व्यू हो गया उस तो बाद जदों तुसीं इहदा उपर दा व्यू देखोगे उपर दा व्यू जिहड़ा है वह किस तरह दिखाई देगा वो बच्चों इस तरह दिखाई देना है उपर उपर का व्यू ठीक है टॉप का आ जिहड़ा टॉप का है टॉप व्यू किदां दिखाई देना इस तरह ये मैं इत्थे बना दिना ये इस तरह दिखाई देगा ठीक है टॉप तो पासे तो बच्चों पासे वाला आ तो इस तरह ही दिखाई देगा ये एक ट्रपीजियम की शेप के इस तरह दिखाई देगा ठीक है उस तो बाद विद्यार्थियों टेबल आ गया जा मेज आ गया मेज के फ्रंट व्यू फ्रंट के सिर्फ तुहानू आही दिखाई देना उपर तो ठीक है टॉप व्यू जिहड़ा आ वो इस तरह दिखाई देगा साइड व्यू का मतलब हो गया जिहड़ा पासे तो पासा जिहड़ा हैगा वो तुहानू किदां दिखाई देना इहदा इस तरह ठीक है मैं इत्थे बना दिना इस तरह ये तुहानू दिखाई देगा मतलब इहदियां सिर्फ आ लत्तां जिहड़ियां ने वो दिखाई देणियां ने ठीक है तो साइड हो गया उस तो बाद सामने तो फ्रंट व्यू जिहड़ा हैगा फ्रंट व्यू तो किस तरह होगा इहदे विच वी बच्चो ये इस तरह ही फ्रंट व्यू तो तुहानूं आ वालियां लत्तां जिहड़ियां ने ये दिखाई देणगियां ठीक है तो ये हो गया ये भी इदी सेम मतलब इत्थे बना देनी है ओके उस तो बाद विद्यार्थियों नट बोल्ट हैगा नट बोल्ट का उपर वाला हिस्सा उपर वाले हिस्से दे विच हैक्सागन तुहानूं इस तरह दिखाई देगी ठीक है ये हैक्सागन बना देनी है 6 साइडां दी उपरों इत्थे अंदर भी छोटी एक हैक्सागन बनाउणी पौगी ठीक है तो ये फ्रंट व्यू सॉरी टॉप व्यू हो गया साइड तो व्यू देखना है तो साइड तो व्यू दे विच बच्चो आ सिर्फ साइड का पासा ये दिखाई देना है ठीक है तो पासा जो तुम पासे नूं मतलब ये हो गया सामने दिखाई दे रहा ठीक है सामने इस तरह जे तुम इधरों देखोगे तो सिर्फ तुम आ वाला हिस्सा ही दिखाई देगा जे इधरों देखते हो फिर आ वाला हिस्सा ही दिखाई देगा ठीक है तो मैं इस तरह बनाता जा तुम इन इदा भी बना सकते हो ठीक है तो पासे तो जो देखना है ठीक है साइड तो किदा दिखना है ये बच्चों 3 हिस्से दिखाई देने मतलब आ सारे का सारा ठीक है इदा बना देना ओके ये हो गया पासे तो ठीक है पासे तो जो तुम इन देखोगे उस तो बाद नैक्सट बच्चो ए हो गया तुहाडे कोल एक ठोस हैगा सिलेंडर क्यूबिक हैक्सागोनल शेप दे विच ही है ये तो इहदे विचों आ एक हैक्सागन सामने तो दिखाई देगी इस तरह 6 साइडां इहदियां ठीक है सामने का हिस्सा हो गया उपरों देखोगे तो उपरों सिर्फ और सिर्फ आ वाला हिस्सा जिहड़ा आ दिखाई देना है इहनूं इदां बना देना ठीक है जिहनूं मैं रंग कर रहा ओके उपर वाले हिस्से का तो इहदे विचों पासे तो भी तुहानूं दो हिस्से एक आ वाला ठीक है एक ए वाला ठीक है ए वाला हिस्सा इस तरह दिखाई देगा उस तो बाद एक शतरंज है ठीक है ई पार्ट हैगा इहदा इहनूं विचों तुसीं किस तरह है देखो ये टॉप व्यू ये हो गया सिर्फ ये दिखाई देगा नाला दो जे डॉट लगे ने डॉट दो दिखाई देने हैं सामने तो बच्चों जे तुसीं आ वाला सामने वाला हिस्सा देख रहे हो तो 3 डॉट जिहड़े आ ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और जे पासे तो देख रहे हो तो फिर बच्चों ये वाला हिस्सा दिखाई देना ठीक है इस तरह क्यूब क्योंकि क्यूब शेप दे विच हैगा है उस तो बाद विद्यार्थियों ठोस हैगा इहदा जे उपरों व्यू देखोगे तो एक आ वाला टॉप एक ए वाला टॉप एक ए वाला टॉप ठीक है इट मीनस उपर तो तुहानूं एक इदां दिखाई देगा एक ए वाला हो गया एक ए नाल हो गया ठीक है उपर का व्यू हो गया उस तो बाद सामने तो व्यू कि दिखाई देना 1, 2, 3 ठीक है ये सामने का व्यू हो गया इदां ही बच्चों सामने का व्यू बनना है जिस तरह जिहड़ा है टॉप व्यू हैगा इहदे विच ठीक है सेम वे नाल ते पासे तो जदों साइडां तो देखोगे साइडां तो की होना है आ कला 1, 2 आ पिछे जिहड़ा है ठीक है ये पिछे वाला मतलब एक ए हो गया एक ए हो गया और एक ए वाला पासे वाला एक ए एक आ पिछे है तो एक ए वाला ठीक है
सो इस तरह विचों ये एक्सरसाइज नंबर थोड़ी 10.1 जिहड़ी है कंप्लीट होगी। 10.2 दे विच कुछ इन्ना खास है नहीं। 10.3 असी एक्सरसाइज नैक्सट वीडियो दे विच करांगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैगी है, ठीक है। उन्हों जरूर वो असी कल करांगे, वो जरूर तुसी कॉपियां दे उपर करनी है, और इनू तो तुसी बुक दे उपर भी कर सकते हो। थैंक यू।